अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर व्लॉग विद अनदर रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आज की रेसिपी शुरू करती हूँ। तो मेरी आज की न्यू रेसिपी है पिन व्हील समोसा। तो पिन व्हील समोसा बनाने के लिए मैंने एक बाउल लिया है, साथ मैंने मैदा लिया एक प्याली, कुकिंग ऑयल लिया, अजवाइन लिया और ज़ीरा लिया। अब मैं इसे अच्छी तरह गूँध के एक डो बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें मैदा ऐड करूँगी। एक बाउल ले लिया मैंने, उसमें मैदा ऐड कर दिया, साथ में इसमें 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया था वो ऐड कर दिया, 1/2 टीस्पून इसमें मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया, 1/2 टीस्पून इसमें अजवाइन ऐड करूँगी। पहले मिक्स कर लेती हूँ इसे अच्छी तरह अपने जी। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह हाथ से मल लिया। आप इसमें कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी आप जिस ब्रांड का यूज़ करते हैं आप इसमें घी भी मेल्ट करके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने नीम गर्म पानी लिया, तो इसके साथ मैं इसकी डो बनाती हूँ अच्छी तरह बना के। जितनी अच्छी डो बनेगी उतनी अच्छी ये हमारे पिन व्हील समोसा बनेंगे, ठीक है। तो मैं इसमें पानी ऐड करती हूँ, आपने थोड़ा सा डाल लेना, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना। जी तो ये मेरी डो तैयार हो गई है बहुत अच्छे वाली, देखिए कितनी अच्छी सॉफ्ट सी है। अब मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देती हूँ। और वैसे भी मैंने जिस पानी से इसके उसे गूंदा है उस पानी में मैंने थोड़ा सा नमक डाल के उसे नीम गर्म कर लिया था। आप चाहें तो इसमें मैदे में थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाला, मैंने पानी में डाल लिया था जिससे मैंने गूंदा, ठीक है। तो जब तक मैंने उसको मैदे के आटे को जो मैंने गूंद के रखा है उसे रेस्ट दी है, तब तक मैं इसको मैश कर लेती हूँ। आलू को इसका मिक्सचर बना लेते हैं जो उसमें ऐड होना है। तो जो मैंने आलू लिया इनको अच्छी तरह मैश कर लेते हैं। तो ये मैंने इसे मैश कर लिया आलू को। अब मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून प्याज ऐड कर दिया और 1 सब्ज़ी मिर्च मैंने बारीक काट कर रखी हुई थी वो ऐड कर दी है। 1/2 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, 1/2 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स जाएगी और 1 चुटकी मैंने इसमें हल्दी ऐड की है, 1/2 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। अब मैं करूँगी इसमें सारे मसाले ऐड कर दिए, अब मैं इसे एक पेस्ट बना लेती हूँ। तो ये मेरा एक मिक्सचर तैयार हो गया। तो अब मैं इसे करूँगी साइड पे, ये कंफर्टेबल हो गई है, बिल्कुल सही हो गई है। अब मैं इसका एक पेरा लूँगी और इसे एक रोटी की तरह बेल लेते हैं जी। तो इसे मैंने थोड़ा सा खुशका लगा लिया था और इसके ऊपर भी मैंने डस्ट कर लिया ताकि इसके साथ जुड़े ना। तो अब मैं इसे बेलती हूँ, इसे अच्छी तरह हम ऐसे बेल लेंगे। ये देखिए मैंने एक रोटी बेल ली है। अब हम इसे ना थोड़ा ग्रीस करते हैं ऑयल के साथ ताकि जो मैंने मटेरियल लगाना है उसके साथ जुड़ जाए। इसी तरह आपने बेल लिया सही बड़ी सी गोल सी प्यारी सी रोटी इसी शेप में जी। तो अब मैं इसे इस ब्रश के साथ सारा ग्रीस करूँगी, ग्रीस करके जो मैंने मटेरियल बनाया है मिक्सचर आलू का वो इसके ऊपर लगाते हैं, ठीक है जी। तो अब मैं इसके ऊपर ये लगाऊँगी, इसी तरह आपने इसी तरह लगा लेना जी। तो ये देखिए मैंने सारा जो मटेरियल बनाया था इसके ऊपर लगा दिया, देखिए। अब मैं इसे रोल करती हूँ, एक रोटी बन गई थी। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट किया, आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं ताकि इनकी बाइंडिंग अच्छी तरह हो जाए क्योंकि ये ऑयल में जाके खुल ना जाए जी। तो अब मैं इसे करूँगी आराम से पकड़ के अच्छी तरह रोल, इसी तरह आपने पूरी रोटी को ना रोल कर लेना। मैंने रोल कर लिया था, ये देखें। अब इसकी करेंगे कटिंग ऐसे, ये हम साइड जो है इसकी उतार देंगे। तो ये मैंने सारी कटिंग कर ली थी, तो देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी डेढ़ आई हैं। तो आपने भी इसी तरह कटिंग करनी है आराम से, पहले छुरी को आपने ग्रीस कर लेना, थोड़ा साइड लगा लेना, फिर इसकी कटिंग करनी है। इस तरह आपकी ये कटिंग बहुत अच्छी होगी। तो अब मैं इसे फ्राई करती हूँ, इसी तरह आपने सारे डाल लेने जी। तो हमने इसे ना मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है क्योंकि ये अंदर तक पक जाए, क्योंकि मैदा जो कच्चा होता है। तो एक साइड इसकी हमने गोल्डन कर ली है, इस तरह हमने बाकी भी कर लेनी है जी। तो ये देखिए मेरे पिन व्हील समोसा तैयार हो गए हैं, देखिए। तो अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।